गर्मी से पूरा देश परेशान है, राज्य भी परेशान है और बढ़ रहे हैं स्ट्रोक के मामले। ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल आपदा है जिसमें मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित होती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर 40 सेकंड में एक मरीज को स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में एक मरीज की स्ट्रोक के कारण मौत हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नारायणा हेल्थ ने स्थापित किया है ब्रेन स्ट्रोक के लिए स्पोक और हब मॉडल। इस अवसर पर उपस्थित थे नारायणा हेल्थ ईस्टर्न क्लस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर के लिए क्लिनिकल लीड डॉक्टर कौशिक सुंदर। कभी लोग कहते हैं स्ट्रोक, अगर बोलते हैं तो उनको लगता है स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक, ऐसा नहीं। स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन का सब्रेट से पहले कुछ प्रॉब्लम। अगर हम प्लम्बिंग के हिसाब से देखते हैं तो स्ट्रोक का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई जो ब्रेन में चल रहा है वो अगर लीक हो जाता है उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जब बंद हो जाता है तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। तुरंत से तुरंत ये पेशेंट को आपको घर से बाहर किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में पहले ले जाए, क्योंकि एक नर्स या एक डॉक्टर को एक स्ट्रोक का सिम्टम देखना थोड़ा ईजी होता है। और दूसरा चीज़ है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में फर्क है। हार्ट अटैक में पेशेंट खुद बोल देता है मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, स्ट्रोक का पेशेंट बात भी नहीं कर सकता। तो आप जितना जल्दी उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कोई भी हॉस्पिटल, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट को जितना जल्दी हो के एक सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करवा देते हैं। अगर हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट को ईसीजी कर देते हैं, मरीज को थोड़ा ब्लड टेस्ट कर देते हैं, उसमें हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। स्ट्रोक के पेशेंट स्कैन के बिना नहीं कर सकते। तो अगर एक नर्सिंग होम को आप लेके भी जाना चाहते हो, उस नर्सिंग होम पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे सीबी एमआरआई की फैसिलिटी हो। एक मान लीजिए एक स्ट्रोक पेशेंट जो बोल नहीं सकता है, हाथ पैर उनका बल्गिन हो गया, वीक हो गया, उनको एम्बुलेंस में छोटा नर्सिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर फिर बोलेगा इसको सीटी लगाना है, तो वहाँ से फिर से आपको एक सीटी रूम में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे उनका डायग्नोसिस होगा, रिपोर्ट 8 घंटे में आएगा। जब तक आपको पता चलता है कि ये छोटा स्ट्रोक या बड़ा स्ट्रोक है तब तक वो टाइम लगता है। तो मेरा यही एडवाइस है या यही सजेशन है कि अगर आप किसी पेशेंट को आपको मान लीजिए स्ट्रोक हो गया तो जल्द से जल्द आपके नज़दीक वाला नर्सिंग होम में लेके जाइए जहाँ पे ब्रेन का इमेजिंग का फैसिलिटी है। तो शायद एक सीटी हो या एमआरआई हो वो भी चलेगा, बट वो सीटी स्कैन वही इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी है। बी का मतलब है बैलेंस, मतलब पेशेंट अच्छे से चल रहा था, अचानक उसको चक्कर आ गया, गिर जा रहा है, वो एक सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। ई मतलब आईज विजन, सुबह से मेरे को कुछ देख नहीं रहा है, कुछ ब्लरी चीज दिखाई दे रहा है, ठीक से नहीं देख रहा हूँ, ये ई होता है आई साइट। एफ फेशियल वीकनेस, मुंह टेढ़ा हो जाना, आपने कभी देखा होगा फेशियल पैरालिसिस के साथ पेशेंट ऐसे बात करता है, ऐसे चला जाता है, वो फेशियल वीकनेस। ए मतलब आर्म या लेग वीकनेस, मतलब हाथ या पैर जो है वो काम नहीं करते। फिर एस मतलब स्पीच, पेशेंट जो अच्छा तरीके से बात कर रहा था अभी अचानक से बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है मेरे को हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो स्पीच होता है। तो बी फास्ट मतलब बैलेंस, आई मतलब आई साइंस, एफ मतलब फेशियल वीकनेस मुंह टेढ़ा हो जाना, ए मतलब आर्म या लेग वीकनेस, एस मतलब स्पीच डिस्टर्बेंस और टी का मतलब है टाइम। जैसे हमारे डॉक्टर पेशेंट ने बताया था रेडी लेट सेट गो, वैसे वो टाइम जब आप देखा था उसको तुरंत नज़दीक वाला हॉस्पिटल में आपको लेके जाना। तो स्ट्रोक के जो साइंस एंड सिम्टम्स है सर, इसके हिसाब से हम पकड़ सकते हैं। सर आइडियली इमीडिएट, सर जैसे मैंने बताया था स्ट्रोक का जो डैमेज होता है तो मूवमेंट एक सेकंड में, मान लीजिए आपका 8 घंटा आपके उम्र से चला गया, अब एक दिन का होगा मतलब आपका अगर उम्र 50 साल है, स्ट्रोक एक दिन हो गया तो आपको 50 के साथ आपको 30 ईयर्स ऐड करना है, मतलब आपका उम्र अभी 80 हो जाएगी। तो द प्रॉब्लम क्यों, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए किसी भी स्ट्रोक पेशेंट घर पे आ जाता है वो इंडिपेंडेंस छोड़ देता है, मतलब आपके घर में कोई एल्डरली लोग होते हैं 80 ईयर का, 80 ईयर्स 90 ईयर्स का, उसी का किसी का सपोर्ट सहारा के बिना कुछ नहीं कर सकते, घर बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर वेट नहीं करते। इमेजिन 50 ईयर्स जो हुआ है, 50 साल का आदमी को अगर स्ट्रोक हो गया तो उसका नसीबा ऐसे ही होता है, ही बिकम्स डिपेंडेबल फॉर एवरीथिंग, ही डजंट कॉन्ट्रीब्यूट एनी मोर टू द हाउस और टू द सोसाइटी, उसका काम चला जाता है।
ये कोई एज का लिमिटेड है कि इतना उम्र से होता है कि सर? अभी तक सर कोविड के बाद हम यंग पेशेंट को भी देख रहे हैं। अच्छा, और अभी आपने देखा है हैबिट्स, सिगरेट स्मोकिंग ड्रिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है सबका, तो 12 घंटा 20 घंटा हॉस्पिटल सॉरी वर्क में ही चले जाते हैं, उन लोगों का स्ट्रोक अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आई हैव ट्रीटेड एज यंग एज 20 or 25 years विद स्ट्रोक, वेरी वेरी यंग नाउ सर। जो चीज़ था जो पहले हम सोच रहे थे 80 उम्र या 70 इयर्स के बाद ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। अभी तो 20 उम्र का, अभी मेरे को एक 12 इयर्स का लड़की मेरे को स्ट्रोक के साथ मिला, 12 साल का। दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट, अगर अवेयरनेस अच्छा होता है तो इस तरह का पेशेंट को हम जल्द से जल्द कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर ये घूमने में डेजिनेशन सर भाई, मैं डॉक्टर कौशिक सुंदर हूँ सर, आई एम अ स्ट्रोक एंड इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट एट NH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच सुंदर।